चलिए देखिए, देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये सबसे सुखद तस्वीर आपको दिखाई दे रही है लोकतंत्र का, लोकतंत्र की। तो अपने परिवार के साथ में वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि खुद तलाश रहे कि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं है। और ये तय हो गया है कि शायद उनका नाम वोटर लिस्ट में है और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। परिवार के साथ पहुंचे हैं अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने के लिए। लोकतंत्र में आहुति देने के लिए वो पहुंचे हुए हैं, देश के प्रथम नागरिक। रामनाथ कोविंद कानपुर से। आडवाणी जी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी उनको लंबे संघर्ष का फलस्वरूप फल देगी और उनको राष्ट्रपति बनाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद को चुना और उनको देश का प्रथम नागरिक बनाया। कानपुर के निवासी हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं और बिहार के गवर्नर के बाद सीधे राष्ट्रपति भवन का रुख किया और देश के प्रथम नागरिक बने, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ में। आप देख सकते हैं तो ये है सुखद तस्वीरें लोकतंत्र की, जो लोकतंत्र को जीवंत रखती हैं। याद रखी जाएंगी कि कैसे देश के प्रथम नागरिक और देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के लिए निकले और उसके बाद अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम देखा, अपने उसके बाद शाही लगाते हुए जो सिंबल है कि हाँ आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, ये दर्शाता है कि देखिए एक एक चीज